मैम नेहा, और आप देख रहे हैं मैं आज तैयार हूं। तो मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं इस टाइम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, घर के सारे सामान लेने के लिए। तो जब भी हमको घर के सामान लेने जाना होता है, हमें छोटे से लेके बड़े तक सबकी जरूरत का ध्यान रखना होता है और बजट का भी ध्यान रखना होता है। ये भी ध्यान रखना है कि मंथली शॉपिंग है तो ऐसा ना हो कि कुछ सामान आ जाए, कुछ रह जाए। तो उसके लिए पूरी लिस्ट पहले से तैयार होती है। तो उस लिस्ट को किस तरह से अच्छे से तैयार करते हैं और कैसे हम सारा सामान लेकर आते हैं, ये इसी कुछ झलक भी मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। और उससे पहले प्लीज, नीचे एक सब्सक्राइब बटन है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं आ गई हूँ और सबसे पहले मैं एक साइड से सारे रैक चेक करती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि क्या स्टोर रह गया है और क्या ख़त्म हो गया है। इस तरह से लिस्ट बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। बस आपको दो तीन रैक चेक करनी होती है और आपको ये भी पता चल जाता है कि इस मंथ क्या नहीं ख़त्म हुआ है। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है जो मुझको लगता है, मैं आपको के साथ शेयर करती हूँ वो। तो दिन में जितने भी टाइम होते हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम पे हमें जो चाहिए, ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए, लंच के लिए चाहिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए चाहिए, डिनर के लिए चाहिए, और फिर आपको याद आता जाता है कि मॉर्निंग में आपको टूथपेस्ट, साबुन, हैंड वॉश, शैम्पू, डिश सोप, इस तरह के आइटम चाहिए। और फिर ब्रेकफास्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पोहा, जवे, सूजी, बेसन, आप जो भी यूज़ करते हो वो आप पर डिपेंड करता है, तो ये सारे आइटम चाहिए। फिर लंच के लिए आपको दाल, चावल या फिर मसाले, घी, तेल, जो भी याद आता है। फिर इवनिंग स्नैक्स, इस तरह से लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है और भूलते नहीं हैं। एक और तरीका होता है वैसे, जो मैं अपने फ़ोन में एक लिस्ट सेव रखती हूँ हमेशा, जो आप आसानी से चेक कर लेते हैं। और ये है वो पूरी पूरा सामान जो हम बाजार से लेकर आए हैं। मैंने इसको एक टेबल पे सजा के रख दिया है, जिससे मैं आसानी से दिखा सकूं कि क्या लेकर आए हैं हम। तो एक साइड से स्टार्ट करते हैं। ये इस साइड मैंने लगा दिया है सारा मॉर्निंग टाइम का सामान। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन एक तरफ से फिर भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये सर्फ है, क्योंकि दो डब्बे फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें काफ़ी सर्फ जाता है, तो वो लग जाता है। इसे दो डब्बे लिए हैं सर्फ के। और ये एक पेस्ट है, ये है पूजा के लिए धूप बत्ती, और ये हैंड वॉश, और दो टिक्की, और माचिस का एक पैकेट ले लिया है। ये किचन के लिए लिक्विड और सोप, और ये है बाथरूम के लिए फ्रेशनर। तो ये मॉर्निंग टाइम का सामान है जो मैंने सबको ध्यान में रखते हुए लिया है। और फिर सुबह चाय तो बनती ही है, तो चाय और उसके साथ लेने वाले बिस्किट, बिस्किट हमारे ज़्यादा नहीं खाए जाते तो उसी हिसाब से लिए हैं। पापा के लिए शुगर फ्री ले ली है, चीनी ले ली है, चीनी बच्चों के साथ या सबके लिए चाहिए होती है। और ये ग्रीन टी का पैक, क्योंकि मेरे को ग्रीन टी लेनी होती है। और ये एक नेस्ले की कॉफ़ी ली है, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो कॉफ़ी होना ज़रूरी है। एक रस का पैकेट लिया है, और बच्चों के लिए लिया है मैंने बॉर्नविटा, और ये चॉकलेट सिरप, क्योंकि और बॉर्नविटा खाली बच्चों के लिए ही नहीं है, बॉर्नविटा हम सब लोग पीते हैं, तो इतना बड़ा पैक जाता है 1 महीने में। और उसके बाद घी, ये 5 किलो का डिब्बा है, क्योंकि बच्चों के साथ जाता है, और फिर अब जब फेस्टिवल टाइम आ रहे होते हैं
तो घी घर में होना जरूरी रहता है थोड़ा सा। यह है साबुन की टिक्की, मैं इधर लगाना भूल गई थी, पीछे गलती से रख गई है ये। और यह है बादाम का एक पैकेट ले लिया है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बादाम भिगोने होते हैं। और ये इसके साथ सौंफ है, ये गरम मसाला ले लिया है, क्योंकि गरम मसाला हम लोग घर में ही पीसते हैं, उसकी खुशबू अच्छी आती है घर के गरम मसाले की। गरम मसाले में सारे मसाले के साथ मिक्स करा के लिए हैं। अब मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे आती हूँ, तो ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या लिया है, बॉयल नाश्ते के अकॉर्डिंग साबित मूंग ली है, ये है मटर के दाने जो मटर बॉयल करते हैं, रमास है, काला चना है। तो बॉयल के आइटम हम बदल बदल के लाते रहते हैं, कभी काबुली चने, लोबिया इस तरह के लाते हैं। ये बेसन का एक पैकेट लिया है, जबे का लिया है एक पैकेट, ये पोहा के 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि पोहा हमारे घर पे सबको काफ़ी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो पोहे के 2 आधा आधा किलो के अलग पैकेट लिए हैं। और ये है दलिया, ये है सूजी, सूजी के अभी 1-2 पैकेट रखे हुए थे घर पे, तो अभी एक ही लिया है। और ये है ओट्स, क्योंकि ओट्स मेरे को अक्सर खाना होता है, तो ओट्स अच्छा जाता है घर पे। ये काला नमक है, और इस बार मैंने सफ़ेद नमक की जगह लिया है ये सेंधा नमक के छोटे छोटे पैक, क्योंकि यही छोटे पैक अवेलेबल थे मार्केट में, बड़े पैक नहीं थे, जहाँ से जिस स्टोर पर से हमने लिया था सामान। और उसके बाद यहाँ पर रखिए मैदा, तो मैदा हमने काफ़ी कम क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मैदा में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, और हम मैदा बहुत कम भी यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल चावल। दाल चावल हमने लूज़ पैकिंग में ले लिया है, बट हमने ध्यान से थोड़ा देख कर लिया है, और पता नहीं अपनी तरफ से कोशिश की है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा पॉलिश दाल ना हो, या फिर ये अच्छी हो, गंदगी ना हो इसमें ज़्यादा। और जो ये चावल है वो बासमती राइस है, इसमें हमने जो रेड वाली मसूर की दाल होती है, लाल मसूर दाल बोलते हैं इसको, ये कम लिया है, क्योंकि ये केवल हमारे घर पे खिचड़ी बनाने के काम में आती है। और ये बासमती राइस, ये काली दाल है, ये इसको बोलते हैं काली मसूर की दाल। और कुछ नमकीन के पैकेट ले लिए हैं, क्योंकि जब शाम का टाइम होता है तो आपको भेलपूरी बनानी है, या कोई गेस्ट आ जाता है तो ज़रूरत पड़ती है। चने, भुने चने ले लिए हैं, थोड़े से मखाने ले लिए हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए, बच्चों के साथ भी यदि आप मखाने करके रख देते हैं तो अच्छा रहता है थोड़ा सा। और साथ में ले लिया हमने पफ्ड राइस, ये लाई, बहुत सारे लोग इसको लाई या फिर भेल भेल भी बोलते हैं, वो है ये। तो इस तरह से हमने अपना सारा सामान लिया है, और अब मेरा बस आज का वीडियो ही ख़त्म होने वाला है। तो आप प्लीज़ बताइए कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।